अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज है, तो अभी बहुत नीचे ही चल ज़्यादा, रहे हैं। दो चार दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। केवल छत पर दिखाने के लिए ले आया था बस। अब सोच लो इनसे अच्छा कौन हो सकता है, पूरी लोकेशन पूरा घर दिखा दिया। चलो नीचे चलते हैं। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और हमेशा के लिए उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ ही रहें। तो आज जो है मैं जा रहा हूँ एक ऐसे यूट्यूबर से मिलने जो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा छा गए हैं, ऐसे मान लो आपने नाम भी सुना होगा, संदीप सुलेखा, और वीडियो भी देखी होंगी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो लोग। तो आज मैं उन लोगों से मिलने जा रहा हूँ और पूरा रास्ता आपको बताएंगे कैसे कैसे वहाँ पहुँचा जाएगा, कैसे कैसे मिल सकते हैं उनसे, और जो भी होगा उनके बारे में सारा कुछ बताएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ यार, ये नहर है, यहीं से अपना ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। घर से तो काफ़ी देर हो गई निकले हुए मैंने। ये हमारे साथ के हैं भाई मंगलेश, इनको उठाया है, यहीं इनका गांव है पास में ही। तो ये हमारे मंगलेश भाई, ये भी वीडियो बनाते हैं, तो हम दोनों लोग संदीप सुलेखा से मिलने जा रहे हैं। तो भाई देखते हैं उनकी क्यूट जोड़ी कितनी हाय अच्छी दोस्तों, है। इनको भी फ्रेंड करना, सपोर्ट करने दोस्तों। ये भी इनका चैनल है एसके इंडिया टूर्स, इन्हें भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो भाई हमारा चैनल है एसके इंडिया टूर, तो जब तक हम पहुंचते हैं वहां तक, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, और थोड़ा प्यार दिखाओ यार, सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सपोर्ट हमें भी करो, और आपको संदीप सुलेखा से बहुत अच्छी तरह से मिलवाएंगे। चलो ठीक है, निकलते हैं। तो भाई रास्ते में रुक गए थोड़ा सा, एक बहुत बढ़िया सीन मिला है। देखो मंगलेश यहाँ सड़क पर घूम रहे हैं और पड़ोस में ही नहर है, देखो कितनी खतरनाक सी नहर है भाई साहब। यहाँ पे ये छोटा सा पुल बना हुआ है, ये पुल नहीं है, ये है यहाँ पे, ये देखो फाटक लगा हुआ है और ये पूरा बना हुआ है, यहाँ पे फाटक लगे हुए थे पानी रोकने के लिए। तो यहाँ का व्यू एक नंबर आ रहा है, तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दें थोड़ा। और ये हमारे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, और मैं चाहूँ तो पल्ली तरफ भी जा सकता हूँ, लेकिन जाऊँगा नहीं भाई, गहरा है, बहुत पानी गहरा है, गिर गया तो बस काम तमाम है, वीडियो बन जाएगी, संदीप सुलेखा से मिल जाएंगे हाल। तो ठीक है, ये देख लीजिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है एकदम। कट तो वहाँ से है, जाए तो नहीं भी आ गए कट यार। तो भाई साहब अभी पहुँचे हैं आधे रास्ते, और बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत तेज़, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार, क्या बता दूँ, अब तो दिमाग काम नहीं करेगा यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, बहुत ऐसी समस्या मतलब होनी नहीं चाहिए, तो वैसी समस्या हो गई मेरे साथ भाई। हमारी गाड़ी जो है ये भाई साहब पंचर हो गई चलते चलते अचानक ही, देखो इसकी टायर की हवा निकल गई है, चल गया, सुनसान रोड है, और बहुत आगे जाके बहुत आगे राम पंचर जुड़ेगा यार। तो भाई अब तो यार बहुत मिलना मुश्किल हो गया मुझे लग रहा है, ये इसका बाइक का पंचर लगवाऊंगा, पता नहीं इसका ट्यूब खराब हुआ है, टायर खराब हुआ, क्या हुआ है, अब आगे जाएंगे तब दिखाएंगे, तब पता चलेगा यार, पहुंचते और दिखाते हैं इसको, उसके बाद निकलेंगे फिर। अब तो टाइम लग जाएगा, एक घंटा लग जाएगा तकरीबन आराम से। तो देखिए भाई ये ट्यूब खराब निकला है, और ये खोली जा रही है, तो इसमें नया डलवाएंगे अभी। तो फाइनली भाई पहुंच गए हैं संदीप सुलेखा के गांव पे, अभी रास्ता नहीं मिला है, और पीछे खेत था, तो वहाँ खेत को जो इंजन चलाते थे, पानी लगाते थे, उगड़ेल वगैरह का पेड़ था, तो वो सारा कुछ हमें मिल गया है, वहाँ देख लिया था मैंने,
वीडियो नहीं बना पाई अभी, लौटते तो वो हम लोकेशन आपको दिखा देंगे अभी, तो पहले मिलते हैं उनसे, एक कॉल करवा लूँ, देखते हैं कि घर पे क्या है क्या नहीं, क्या सीन है, उसके बाद निकलेंगे। अभी रास्ता भी पता नहीं है, तो अभी यहाँ पर खड़े हैं देखो दोनों लोग, और ये पीछे हाईवे है, इसी हाईवे के किनारे आगे उनके खेत हैं। तो भाई मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ यार, आगे आऊँ लोकेशन पे पहुँचने वाला हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ यार, थोड़ी ये लग रहा है कि पहली बार मिलने आया हूँ, और ऐसा लग रहा है कि कैसे बात करूँगा कैसे नहीं करूँगा, क्या होने वाला है वहाँ पे, तो इसलिए थोड़ी सी धड़कन तेज़ हो गई है। तो भाई देखते हैं पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं। अभी बंदे यहाँ पर खड़े हैं पीछे, यहाँ पर जो हमें लेने आए हैं मंगलेश के जानकारी गए हैं, तो वो खड़े हैं यहाँ पर, तो निकलते हैं अभी थोड़ी देर में। फाइनली दोस्तों देखिए मैं आ चुका हूँ संदीप सुलेखा जी के घर पे, और ये उनका पीछे घर है, तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और उनसे मिलवाता हूँ। देखिए ये उनकी मम्मी बैठी हैं, खाए कर रही हैं, और संदीप भैया थोड़े अंदर हैं तो अभी आ रहे हैं और उनसे मिलवाते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर देखो मिलने वाले बैठे हैं बहुत सारे लोग। तो फाइनली भाई देखो संदीप भाई हमारे आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, भैया हमारे घर आ चुके हैं हम दोनों से मिलने के लिए, और काफ़ी लोग आए हैं इनके साथ में। देखो इधर जे भैया खड़े हैं और इधर बैठे हैं पीछे भैया, वो दिखा दिया सबको, दिखा दिया दिखा दिया। तो भाई कहाँ से आए आप? सर मैं इधर जसराना से आया हूँ। अच्छा जसराना से आए हो आप, अच्छा एक ही जगह से हो सके। हाँ, तो आप YouTube पर ब्लॉगिंग करते हो? जी ब्लॉगिंग करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और जिस चैनल के लिए वीडियो बन रहा उसी चैनल को आप लोग सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। सब्सक्राइब से क्या होता है दोस्तों, जो अगली जो वीडियो आएगी इनकी उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले से पहुंच जाएगा, अपलोड जैसे ही ये करेंगे वीडियो, तो उसके लिए सब्सक्राइब किया जाता है दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए ऐसा थोड़ी कि कोई पैसे वगैरह कट जाए, पैसे नहीं कटते हैं। तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना इनको, थैंक यू। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इनको अक्सर वीडियो में देखता हूँ, आज सीधा सीधा देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है दोस्तों जब हम दोनों से मिलने के लिए इतनी इतनी दूर से लोग आते हैं मिलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमें भी, क्योंकि और ये सोशल मीडिया के जरिए से एक जो पहचान मिल रही है आप सभी के बीच में, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को इतना जो सपोर्ट किया है, थैंक यू। तो देखिए ये खड़े हैं संदीप भाई साहब, और मैं इनके घर में अंदर आ गया हूँ। कोई भी यूट्यूबर, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कोई भी अपने घर में नहीं ले जाएगा। संदीप भाई इतने अच्छे हैं कि अपने घर में वीडियो बनवा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब छत पर चलते हैं और छत पर चल के इनकी पूरी लोकेशन दिखाते हैं, जो मूर्ति वगैरह लगी है शंकर जी, शंकर भगवान की, तो वो दिखाते हैं। तो ये देखिए छत पे आ गए, और इधर से देखो थोड़ी रोशनी पड़ रही है तो साफ नहीं आ रहा होगा। ये देखो मूर्ति रखी है, ये गमले लगे। तो अक्सर यहीं पे वीडियो बनाते रहते हैं संदीप भैया हमारे। ये अच्छा बैकग्राउंड आता है इधर का, पास पड़ोस का जो हरा भरा बैकग्राउंड आता है, अच्छा लगता है दोस्तों। अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज है, तो अभी नीचे ही चल रहे हैं। दो चार दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। केवल छत पर दिखाने के लिए ले आया था बस, अब सोच लो इनसे अच्छा कौन हो सकता है, पूरी लोकेशन पूरा घर दिखा दिया। चलो नीचे चलते हैं। तो भाई अभी जा रहे हैं संदीप भैया लेके जा रहे हैं खेतों की तरफ, और ये आगे आगे संदीप भाई चल रहे हैं। धान की खेती देखो कितनी अच्छी है, बहुत प्यारी लोकेशन है संदीप भैया के खेतों में, बहुत प्यारी, एकदम एक्सप्रेस वे निकल के गया है पास में ही। तो अभी खेतों पर पहुंच के लोकेशन दिखा रहे हैं, जो संदीप भैया का इंजन है, गुड़हल का पेड़ लगा है, और एक बंगला बनाया था वीडियो में देखा होगा आपने, तो वो दिखाते हैं। चलो तो देखिए सामने ही है बंगला, वो थोड़ा सा दिख रहा होगा, सामने बंगला बना है
वहीं पे इनका इंजन है। तो देखिए फाइनली आ गए, और ये कल परसों ही संदीप भैया ने इस मकान में पानी लगाया था, वीडियो डाला था, और ये है संदीप भाई का बंगला। एक शिवानी ने बंगला बनाया था, एक संदीप भैया ने बनाया था, देखो वो खड़े हैं। हमारा बंगला भाई गांव वाला है, शिवानी का बंगला बहुत बड़ा वाला है। और यहाँ देखिए यहाँ पे काम करते हैं, तो ये पूरा खेतों की लोकेशन दिखाई देती है, ये हाईवे की, तो वो है ये। और ये अमरूद का पेड़ है जो वीडियो में देखा होगा, एक आध लगा है छोटा छोटा। और ये है संदीप भाई का इंजन। ये है संदीप भैया का इंजन, और यहाँ पानी चलता है। हमारे हाथों के पेड़ लगे हुए हैं फलवारी के। तो फाइनली गाइस हम लोग मिल चुके हैं भाई से, भैया से, भाभी से, उनकी मम्मी से, पापा से, सबसे मिल लिए, पूरा घर दिखा दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो अब घर निकलते हैं, और पता नहीं कितने लेट पहुँचेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है, 80-90 किलोमीटर जाना है, तब निकलते हैं सीधा, वीडियो नहीं बना पाएंगे।